डीएम ने बोर्ड परीक्षा से पहले बैठक कर सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए हैं निर्देश। बताते चले हैं कि मंगलवार को समाधान दिवस में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने सभागार में बैठक करते हुए कहा कि दो दिन बाद उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं देखें। इस दौरान डीएम ने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट रात को सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर वहां पर रखे हुए लॉकर के सील भी देखें, ताकि परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंच चुके हैं इनमें से किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। डीएम ने कहा कि लापरवाह सेक्टर मजिस्ट्रेट पर सख्त कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे और वॉयस ओवर लगी हुई दिखी, कैमरे चलते हुए ना मिले तत्काल इसकी सूचना हमको दी जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास, एसडीएम नीरज कुमार, खंड विकास अधिकारी नवनीत गौतम, सूचना अधिकारी जहीन अहमद आदि अधिकारी मौजूद रहे। इस बात की चिंता कर लीजिएगा, सवेरे शाम हर एक जो प्रश्न पत्र सुरक्षित रखा हो, आपकी ड्यूटी है वहाँ मुस्तैद हो, आपको भी राउंड मारते रहा करिए। इंटीरियर पर विशेष कर जो रूट पर है उसके अलावा इंटीरियर पर एसडीएमसी साहब आप लोग भी अपने स्तर से राउंड लगाया करिए, इन चीज़ों को मॉनिटर करिए, अपने थाने पर बात करके सेक्टर मजिस्ट्रेट लोगों से बात करके इसका भी हो, किसी भी दशा में किसी भी सेंटर पर तीनों थाना क्षेत्र बहुत सेंसिटिव है परीक्षा का कॉल करने से, इसलिए मैं तीनों लोगों को आज फिर से आगाह करता हूँ। सारे प्रश्न पत्र पहुँच गए स्ट्रांग रूम में।